हेलो वेलकम बैक टू ये देख व्लॉग्स और ये देख टैग भाई। पता है मैं भी कहाँ चुका हूँ, पीछे स्कूटी लेके आया हूँ। कौन सी स्कूटी है बताता हूँ, पूरा रिव्यू एंड तक देखना और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। रीज़न कि ना जो आजकल भाई अभी ना क्या है कि 7G लॉन्च होने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, एक्टिवा होंडा होंडा एक्टिवा। तो मैंने कहा क्यों ना एक बार आपको दिखा देते हैं जो करंटली मतलब मेरे एक फ्रेंड लेके आए हैं, ब्रांड न्यू एक्टिवा 125 है। तो उसकी एक बढ़िया सी वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना और समझना कि क्या खास है इसके अंदर जो आप अभी भी इसको बाय कर सकते हैं। 7G का वेट मत कीजिएगा क्योंकि सेट टाइम लग सकता है उसको आने में, पता नहीं। शुरू करते हैं, दिखाते हैं पूरी वीडियो एंड। तो भाई ये आ चुके हैं हमारे पास। कौन सा कलर है? बहुत ग्लॉसी ग्रे कलर है भाई, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ये है 125 एक्टिवा जो कि है लास्ट ईयर का मॉडल 2023 का। तो अभी 125 cc में जो आपको मिलने वाला है, बताता हूँ क्या क्या मिलेगा आपको। ग्रिल लगाई है और साइड की ग्रिल लगाई होगी भाई, कंपनी से फिटेड है ना। मेन कॉस्ट जो गाड़ी की कॉस्ट है वो कितनी आई है? तो भाई जो ये ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है दिल्ली के अंदर भाई को 1,02,000 की पड़ी है, जिसमें एसेसरी अलग है 2-3 हज़ार रुपये लिए होंगे एसेसरी के, 3,000 लिए होंगे। हाँ तो जनरली वो 3,000 रुपये लेते हैं। तो भाई एसेसरीज आपको 3,000 में अलग से मिल जाएगी और ये E20 वेरियंट है। तो भाई शुरुआत करते हैं पहले इसके सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है ना, डिजिटल और प्लस एनालॉग दोनों चीज़ें हैं। तो ये देख रहे हो, ऑन करते हैं आपको इस तरीके से आपको डिस्प्ले मिलने वाले। इसके अंदर टाइमिंग आपकी आ जाएगी, टाइमिंग तो आ रही है, बाकी फ्यूल मीटर आपका यहाँ पे आ रहा है। किलोमीटर 23 किलोमीटर भाई ने चला दिया लेते ही, आज ही चला दिया यार 23 किलोमीटर, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। और क्या क्या ऑप्शन आते हैं आपको दिखा देता हूँ। बटन प्रेस करने पर ट्रिप है, ये मेन ट्रिप जो चलती है, मतलब टोटल दिखाता है आपको कितना किलोमीटर चला। और ये है आपकी जो एवरेज की है, एवरेज ही दिखाती है इसके अंदर, एवरेज का भी आ रहा है यार बढ़िया 43.9 की भाई, 43.9 किलोमीटर पर लीटर पे चलती है ऐसा बोल रहे हैं, ये मीटर बोल रहा है, बाकी भाई चला के बताएंगे तब पता चलेगा कितनी देरी है। और रेंज 120 किलोमीटर की, अभी तो 120 किलोमीटर पे निकाली है इसने एवरेज। और ये टोटल दिखा रहा है अभी यहाँ पे 23 इको पे ना, इको का बटन तो यही होगा ना, बटन नहीं है इधर, इधर लिखा हुआ इको ग्रीन लाइट जलती है। अच्छा स्टार्ट करके दिखाता हूँ भाई आपको मैं इस चीज़ के लिए, ये देखो साइलेंट बटन है, हो गई स्टार्ट। तो कोई सेल्फ वाला सिस्टम नहीं, बस बटन प्रेस करो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और भाई थोड़ा सा नीचे उतारना पड़ेगा तो ये कांपना बंद हो जाएगा, बट वो कहाँ है क्या इको वाला जो तुम बता रहे थे आ गया ना। तो ये इको और इंजन का स्विच आ रहा था यहाँ पे, हेडलाइट डिपर वगैरह का था, हाई पास लो पास, और इसका अपना इंडिकेटर के बटन यहाँ पे आ ही जाएंगे। तो ये 125 वाला 125 cc वाला वेरियंट है। तो इसमें थोड़ा सा जो जो मेन फीचर्स है ना आपको दिखाया था क्या क्या खास मिलता है जो इसके अंदर से सामान रखने का, भाई स्टोरेज देना काफ़ी अच्छा दे रखा है। देखो फर्स्ट तो आपको ये दे रखा है कि यहाँ पे आप कुछ भी लटका सकते हो, जिसके लिए ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो दूसरा यहाँ पे आपको फ़ोन और ग्लव बॉक्स बोलते हैं बेसिकली, इसको वो भी रख सकते हैं आप। और बीच में क्या है, बीच में यहाँ पे भी दे रखा है ये लटकाने के लिए, तो बढ़िया से यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा स्टोरेज के लिए सपोर्ट। और जो उसका डिज़ाइनिंग है भाई, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। तो फ्रंट से आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, वाइजर इसका पूरा ब्लैक दे रखा है, वाले कलर की फिनिशिंग है वो यहाँ पे नहीं है, इसको ब्लैक कर रखा है। और हेडलाइट इसकी DRL तो नहीं होगी, DRL है, DRL है, ओ भाई भाई DRL दे रखी है। तो आपको हेडलाइट में DRL मिलेगी यार, बढ़िया यार। और इंडिकेटर ऑन करना है यार इसका सतीश, इस तरीके से आपको इंडिकेटर मिलेगा। और हाई पास वाली स्टार्ट करके ऑन करना है एक बार हाई पास, तो पूरी लाइट का पता चलेगा। अभी अंधेरा नहीं है वैसे, लाइट ऑन करना। ये वाली जलती है क्या? हाँ ये इधर यार, ये ना ये साइड से जल रही है, अभी दिख नहीं रही होगी आपको। ये DRL यहाँ से ऑन है, यहाँ की भी DRL लग रखी है। और इंडिकेटर जो दे रखा है आगे वो हाइलोजन का दे रखा है। और ये कुछ इस तरीके का पूरा सेटअप है। और ये जो 125 का जो सेटअप आता है ना भाई, पूरा फेस सेटअप इस तरीके से रहता है हमेशा से, बट इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन करते हैं छोटी 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 धीरे धीरे। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगा हुआ है जो कि भाई रिलायबल रहता है एक्टिवा के लिए। और पीछे का सस्पेंशन तो बहुत ही बढ़िया था, अभी हम लोग 3 लोग चढ़ा के आए हैं इसको, और क्या भाई सस्पेंशन वाली फील आई है ना। अभी तो नई गाड़ी है, थोड़े दिन बाद चलेगा, धीरे धीरे जितना होगा और बढ़िया होती जाएगी डे बाय डे 2-3 महीने के लिए। देखो पीछे का अलॉय कुछ इस तरीके से है। ये डिस्क वेरियंट है भाई, ये ड्रम वेरियंट है, ड्रम वाला है ना। और इसके टायर की बताऊँ भाई, टायर इसके 90x100 के है, 10 इंच वाले पीछे का टायर जो है। और आगे वाला टायर है, आगे वाला टायर 12 इंच का भाई, 90x90 12, तो आगे वाला बड़ा है, आगे वाला टायर बड़ा दे रखा है। मेरी स्कूटी के अंदर लगता है शायद 10 इंचेस दो लगते हैं आगे पीछे, इसके अंदर आगे वाला बड़ा टायर, हाँ। और वही आगे इसके अंदर ड्रम ब्रेक लगी हुई, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होता है बेसिकली इसके अंदर। अगर अलॉय वो डिस्क ब्रेक होती तो वो अलग चीज़ थी, बट ये भी काफ़ी काम करता है, मेरे को सबसे ज़्यादा रिलायबल यही लगता है ड्रम ब्रेक वाला सिस्टम। और साथ में यार ये सिस्टम इसमें दे रखा है कि अगर आपका स्टैंड ऑन साइड स्टैंड लगा हुआ तो स्टार्ट नहीं होगी। ये है क्या, चेक नहीं किया, एक बार उतार रहा
स्टार्ट स्टैंड लगाओ, स्टार्ट करके देखो होगी क्या। नहीं नहीं हो रही ना, ये आगे स्टैंड का। हाँ तो भाई इसके अंदर आपको ये वाला साइन मिल जाएगा, मुझे लग रहा था जो हर एक गाड़ी के अंदर आजकल आ रहा है। तो अगर आपकी गाड़ी स्टैंड पे है ना तो ये आपको इंडिकेशन देता रहेगा। कुछ कुछ में सायरन भी बजता है कि भाई स्टार्ट नहीं होगी, बट इसके अंदर आप देखो मैं पूरा कोशिश करूँगा स्टार्ट नहीं होगी, बट इसको मैं अगर हटा दूंगा तो हो गई स्टार्ट। तो ये फीचर भी अच्छा है और साथ ही साथ भाई सब कुछ काफ़ी सही लग रहा है। आपको एक बार डिग्गी दिखाया था उसकी, मैं खोल के कितनी बढ़िया आपको स्पेस मिलने वाला है उसके अंदर। बेसिकली एक ही हेलमेट का रहता है। तो की इग्निशन है ना, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा भाई देखो, ये पूरा सेटअप बना रखा है उन्होंने। तो भाई आपको सीट के लिए आपको ना इसको पहले यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। अभी ऑन हो चुका है, बेसिकली ऑन है, गाड़ी ऑन हो गई है। अब इसको एक नीचे करेंगे ना तो आप सीट के सारे मतलब दोनों बटन्स को यूज़ कर सकते हो। तो फ्यूल ये है और सीट का ये है, तो सीट की खुल चुकी है भाई, फ्यूल लीड भी खुल चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आपको सीट के अंदर स्पेस मिलेगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। और ये हेलमेट फ्री मिला है? ये हेलमेट है। हाँ बढ़िया यार, होंडा का हेलमेट फ्री मिला है भाई को। जनरली क्या है लोकल कंपनी वाला दे देते हैं उठा के, अच्छा खासा हेलमेट है यार। और ये कितना आपको इसके अंदर स्पेस मिलने वाला है? हाँ टूल तो अब ये सिस्टम सही कर दिया, ये ऊपर टूल लगाने वाला ना, टूल खोते नहीं है उधर, मेरे तो अंदर ही पड़े रहते हैं, मेरे को ढूंढ के निकालने पड़ते हैं कहाँ कौन सी चीज़ है। हाँ वही ना। और दूसरा इसकी वो होगी डॉक्यूमेंटेशन होगी, सर्विस वगैरह कब करानी है, छल्ले वल्ले भी दे दे भाई को बढ़िया। और यहाँ पे लगी है फ्यूल लिड, बेटे फ्यूल लिड वो थोड़ी सी और ओपन होनी चाहिए, है ना। ये भी इजीली निकली गया, दिक्कत नहीं हुई। पता नहीं कौन सी गाड़ी में देखा तो बहुत दिक्कत से निकलता है। अच्छा यार सतीश एक और चीज़ ट्राई करनी है भाई, बंद करना सीट, बंद करना फ्यूल लिड, ओपन करके स्टार्ट करना होगी क्या? ये फीचर भी होना चाहिए यार, फ्यूल लिड ओपन है मान लो आपने पेट्रोल लगाया और भूल गए आप। हाँ साइड सेंटर स्टार्ट नहीं हुई, हो गई यार, ये चीज़ गड़बड़ है। इसका सायरन देना चाहिए था जो कि होंडा प्राइम में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, सॉरी हीरो प्राइम में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। कि अगर आपका फ्यूल लिड ओपन है आपको थोड़ा सा कहीं तो इंडिकेशन मिलनी चाहिए कि अरे ओपन है इसको बंद कर दो। और अभी भाई को टेम्प्रेरी नंबर मिला हुआ है, नंबर कितने दिन में आएगा आपका? नंबर एक हफ्ते में। तो सतीश भाई से मिलवाते हैं, सतीश भाई ने लिया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा हुआ भाई आपने एक्टिव 125 ले ली। बुनू भाई ने हमारे एंटॉर्क लिया, एक और वीडियो बनाएंगे उसके, वो भी दिखाएंगे एंटॉर्क के भी। और ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, फिनिशिंग देखो उस कलर की कितनी ज़बरदस्त आ रही है। ओरिजिनल कलर तो भाई ओरिजिनल ही होगा, अच्छा मज़ा आ गया। हाँ कलर ये ग्रे मेरे पास सेम है, मगर मैट में है। बैटरी इधर है पता है? अच्छा आगे कर दी बैटरी, बैटरी इधर है इसकी, ये इधर ही रहती है शायद। नहीं आगे होती है ना, वैसे आगे होती थी पहले। हाँ पहले मेरे उसमें आगे लगी, इधर लगी होती है। हाँ सही कह रहे हो, उसको नीचे कर दिया। हाँ तो बढ़िया। तो उसमें उसने यार पूछते तुम चार्जर वगैरह का सिस्टम है कुछ, फोन मोबाइल चार्जर लगाने का कोई सेटअप हो? तो होना चाहिए यार, बाहर से करवा सकते हैं, मैं करवाऊंगा अपनी स्कूटी में। बट इसके अंदर भी इधर लग जाता है ना वो लग के, और वो जो स्टैंड लगता है फोन का, हाँ हाँ उसके साथ चार्जर भी होता है वो। ओके ओके ओके, वो लग जाएगा। बाकी भाई काफी बढ़िया लग रही है मेरे को होंडा एक्टिवा 125 cc, जो कि आप ऑन रोड फरवरी के अंदर 2024 में मिल रही है 1,02,000 रुपए की, और एसेसरीज के 3,000 रुपए की मान लो तो 1,05,000 में आपको ऑन रोड पूरा ये व्हीकल आपको मिल जाएगा। तो काफी सही लगा मेरे को ये व्हीकल, जो भी भाई स्कूटी परचेस करना चाह रहे हो। हाँ अगर आप सेम चीज 125 cc में चाहते हो सस्ती में, हीरो डस्टरी प्राइम के साथ, वो मिल रही है आपको 81,000 की, और ये मिल रही है आपको 1,05,000 की। सोच लो कितना फर्क है चीज़ों के अंदर भाई। बट ये एक्टिवा एक्टिवा, इसका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, और ये वाली चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली। रीज़न क्या होता है भाई, जो एक ब्रांड है ना, जो ब्रांड बन चुका है एक्टिवा भाई, वो सदाबहार का ब्रांड बन चुका है, हर किसी का ट्रस्ट इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और भाई को मैंने बोला था कि बैटरी वाली ले लो, भाई ने बोला नहीं, थोड़ा सा अभी उस पर उस तरीके से हाँ काम नहीं हुआ हुआ, थोड़ा एक दो साल बाद जब अच्छे से पूरी रिलायबल हो जाएगी मार्केट ईवी वाली, तब बढ़िया रहेगा काम। ओ इसका ई वाला ये छाप रखा है इन्होंने, ओके ओके, मुझे लगा सर लाइट के साथ चलता है ना, बट काफ़ी बढ़िया लगी भाई स्कूटी मेरे को, और मज़ा आ गया देख के। अच्छा एक बटन यहाँ पे भी जोड़ दे रखा है भाई लगवाने के लिए, कुछ यहाँ लगवा सकते हो तुम्हें चार्जिंग वाला, है ना। ये बेसिकली उसके लिए था ना, सेल्फ स्टार्ट के लिए, वो हट गया वो तो सेल्फ ऊपर आ गया। सही यार अच्छी लग रही है। और ये ट्रैफिक में इसलिए मतलब कि ये दिया हुआ है कि जैसे मान लो कि हम ट्रैफिक में हैं, जैसे स्टार्ट है ट्रैफिक में रेड लाइट होगी बंद कर दो स्टार्ट। हाँ इंजन को स्विच है बेसिकली ये, बट इसके अंदर एक चीज़ और होगा कि ना जैसे तुम्हारी 5 सेकंड स्कूटी स्टार्ट है ना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है ना वो, शायद उसकी वजह से। बट ठीक है यार काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को। अगर भाई आप लोग भी लेना चाहते हो तो कहीं से अपने नज़दीकी जितने भी आपके होंडा वाले डीलर्स हैं किसी भी जाके पूछ सकते हो। बट ये प्राइस मैंने जो बताया भाई को शायद सस्ता मिला होगा, बाहर आपको थोड़ा सा महंगा मिले तो आप वो नेगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ। बाकी अगर आप चाहते हैं मेरे थ्रू अगर जाना तो आप जा सकते हैं होंडा अपना खानपुर में और होंडा लाजपत नगर, दोनों जाके वहाँ पे पता कर सकते हो और वीडियो दिखा सकते हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे प्राइसेस मिल जाएंगे।
मतलब अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा खास नहीं, थोड़ा बहुत ही मिलेगा, बट ठीक है। भाई इसका टायर मेरे को सही लगा, इसका टायर आगे वाला जो है 12 इंच का, पीछे वाला 10 इंच का। तो करते हैं वीडियो को यहाँ पे एंड। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों के साथ कि भाई एक्टिवा ले लो जाके।